अ कंटिन्यूएशन ऑफ लास्ट वीडियो, आपका जहां लास्ट वीडियो स्टॉप हुआ था उसके आगे से हमारा ये वीडियो स्टार्ट होता है, और वो हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमने लास्ट वीडियो में बनाया है, आज हम डेफिशिएंसी अकाउंट बनाने वाले हैं। एक बार और सिखाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट क्या होता है, क्लियर। चलिए मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। ऑलमोस्ट 75% ऑफ द सम हमारा पूरा हुआ था। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए कंपनी ऑन December 4 ऑन विच दैट वाइंडिंग अप ऑर्डर वॉज मेड। वी हैव इक्विटी कैपिटल, वी हैव प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, वी हैव कॉल इन अरियर्स 4000, लेकिन एस्टिमेटेड टू रियलाइज ओनली 2000, एस्टिमेटेड टू रियलाइज 2000। देन वी हैव फर्स्ट मॉर्टगेज डिबेंचर सिक्योर्ड बाय अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन द होल ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। Then we have creditors having mortgage on freehold land building, creditor having second charge on freehold land building. So land building and specifically two creditor per charge there. A credit 85,000 and 90,000. Yeh hai asset specifically charged, while mortgage debenture is having a floating charge on the assets. Then we have trade creditor, then we have bill discounted. लेकिन उसमें से 15,000 आर एक्सपेक्टेड टू बी डिसऑनर्ड, सो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। अनक्लेम्ड डिविडेंड करंट लायबिलिटी होता है, बिल्स पेबल है, इनकम टैक्स ड्यू प्रिफरेंशियल होता है, सैलरी एंड वेजेस फॉर 5 मंथ्स। देखो या तो सैलरी होना चाहिए या तो वेजेस होना चाहिए, क्योंकि वेजेस इज अ प्रिफरेंशियल क्रेडिट और नॉन लिमिट, लेकिन सैलरी एज अ प्रिफरेंशियल क्रेडिट लिमिट ऑफ मैक्सिमम 4 मंथ। तो मैं फर्स्ट वर्ड दे के मंथ्स दिया है, तो 4 मंथ के हिसाब से सैलरी समझता हूँ, यह ट्रांजेक्शन को वैसे ट्रीट करता हूँ। Bank OD is secured by a charge on the whole of the assets of the company. Then we have a cash. Then debtors jo hai, usme 60 to good hai, paisa milega. 15 doubtful hai, magar usme se bhi 5 to mil jayega, baki sab to bad hai. 60 to pura milega, 15 doubtful mein se bhi 5000 milega. To 65 mil jayega, remaining are bad. Bill of action good hai. Freehold land building yaad hai na, expected to realize itna hai, and they were assets specifically charged. Then machinery है, furniture है, stock है, patent है. On December 98, company's share capital stood at the same figure on December 2004. But in addition, there was a general reserve of 65,000. In 2000 suffered a loss totaling in all 467. 2001 speculation loss was incurred. Preference dividend was paid. Equity dividend was paid. Excise authority imposed a penalty in 2002, and income tax authority imposed a penalty. वो सब पुरानी बातें हैं। ये जितनी भी information है ना, जितनी भी है, पता है किसी को क्यों दिया गया है? ये deficiency account नाम का जो statement है, उसके लिए दिया गया है। Prepare statement of affair and deficiency. ठीक है, मैंने question read किया, बाकी सब छोड़ो, forget it. अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की बात करो, लेट स्टार्ट प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, फॉरगेट द रेस्ट ऑफ द थिंग, ओके, फॉरगेट द रेस्ट ऑफ द थिंग। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन रीड किया था, कॉल्स इन अरियर जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो एसेट में लिखा जाता है। एक्चुअल कॉल्स इन अरियर 4000 है, बट रियलाइजेबल वैल्यू 2000 है, बाकी तो फिर जो भी एसेट दिया गया है, कैश, डेटर्स, बीआर, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक एंड पेटेंट, ये सब क्या है? एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू है। ठीक है, कॉल्स इन अरियर का रियलाइजेबल वैल्यू 2000 है, एक्चुअल कॉल्स इन अरियर 4000 था। देन कैश, डेटर्स, बीआर, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक एंड पेटेंट। देन असेट स्पेसिफिकली प्लेज, वो था ना लैंड बिल्डिंग वाला, याद है ना? सो लैंड बिल्डिंग का रियलाइजेबल वैल्यू दिया है, दो क्रेडिटर थे, एक 85 90, लेकिन दोनों क्रेडिटर की अमाउंट 175 है, और 10,000 डेफिशिएंसी है। जब भी डेफिशिएंसी होता है ना, तो फिर उतना 10,000 आपका अनसिक्योर्ड में आ जाएगा, क्योंकि मेरी असेट की रियलाइजेबल वैल्यू 165 है, बट क्रेडिटर्स आर 175। देन समरी ऑफ ग्रॉस असेट्स। ठीक है, समरी ऑफ ग्रॉस असेट का फिगर कहां से आता है आपको पता है ना, हमने पहले भी देखा ही है।
ये यहां से आता है और ये 165 यहां से आता है, ठीक है, 165 यहां से आता है, टोटल हो गया 471। अमाउंट अवेलेबल फॉर मीटिंग क्रेडिटर्स, ठीक है। अब लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में ये क्या होता है, यहां लिखते हैं अमाउंट पेड फॉर क्रेडिटर्स हैविंग फिक्स्ड चार्ज, राइट साइड में हमेशा नील होता है, लेफ्ट साइड में जो भी अमाउंट पे किया ऊपर वहां से लिखते हैं। ये कहां से लाते हैं, यहां से। हमने यहां पता है ना 165 बताया है पे करने वाले हैं, आउट ऑफ 175 10 तो अनसिक्योर्ड में लेने वाला है, इसके लिए 165 यहां लेंगे, 10,000 को अनसिक्योर्ड के लिस्ट में लेने वाला है, राइट साइड हमेशा नील लिखते हैं। लिस्ट सी प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, ओके, पता है ना हमको पेपर में दिया था सैलरी फॉर 5 मंथ 40,000 सैलरी है, बट ओनली 4 मंथ इज अलाउड 32,000। नंबर ऑफ पर्सन आर नॉट गिवन, अदरवाइज पर पर्सन द लिमिट इज 20,000। सो ये सैलरी है, 4 मंथ इज प्रिफरेंशियल, इनकम टैक्स है वो भी प्रिफरेंशियल, इतना बचा है। लीज दी अमाउंट फॉर क्रेडिटर हैविंग अ फ्लोटिंग चार्ज, हमारे प्रॉब्लम में डिबेंचर एंड बैंक कोड ही था, ओके, डिबेंचर एंड बैंक कोड ही था, उसका अमाउंट है। अब अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड में पहला तो 10,000 सिक्योर्ड क्रेडिटर की डेफिशिएंसी है, बाद में बाकी का सैलरी वेजिस, सैलरी प्रिफरेंशियल का हो गया वो हो गया, बाकी का है क्रेडिटर। 15,000 का कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, याद रखना 15,000 का कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है फॉर डिसऑनर्ड बिल, बाकी का अनक्लेम डिविडेंड है, बिल्स पेएबल है 3,19,000। क्रेडिटर का कहानी खत्म हो गया। फिर प्रिफरेंस शोल्डर्स पेपर में दिया है, एंड इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल पेड अप 196 है, 2000 का कॉल सिनेरियर आने वाला है तो 198, ये डेफिशिएंसी है। कितने लोग को इतना याद आया, यहाँ एटलीस्ट समझ में आया, जो लोग लेक्चर अटेंड करते हैं वाई वर्ड टाइप करो तो जरा एटलीस्ट मुझे समझ में आया, कोई है या नहीं है मेरे साथ, आप जरा वाई वर्ड टाइप करिए, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड। टाइप करिए, ओह 10 ऑफ यू अंडरस्टूड इट, वेरी गुड। चलिए अब मैं स्टेटमेंट ऑफ डेफिशिएंसी बनाते हैं, जिसको डेफिशिएंसी अकाउंट नाम दिया गया है, मैं एक बार और सिखा देता हूं। अब डेफिशिएंसी बनाने के लिए हमारे पास क्वेश्चन पेपर में बैलेंस शीट होना चाहिए और उसमें एक्यूमुलेटेड पीएनएल फिगर होना चाहिए, जो हमारे प्रॉब्लम में नहीं दिया है, तो कोई बता सकते हैं मैं करूं क्या? हमारी जो बैलेंस शीट दिया गया है ना, उसमें ये फिगर होना चाहिए जो नहीं दिया गया है, सो आप नोटबुक में लिख डालो नोट, ओके, सिंस वी आर नॉट हैविंग accumulated losses मतलब P&L debit balance on, ये जरूरी है। मैं आपको अभी deficiency नाम का statement सिखाने वाला हूं, last lecture में सिखाया था पर आज वापस सिखा देगा। Since we are not having accumulated losses P&L debit balance on date of winding up as balance sheet is not given, first of all we are preparing balance sheet on date of winding up, to find accumulated losses
ठीक है। सो सबसे पहला तो आप बैलेंस शीट बना दो। बैलेंस शीट ऑन वाइंडिंग अपडेट, ठीक है। बैलेंस शीट ऑन वाइंडिंग अपडेट, जो आपको बैलेंस शीट दिया गया है ना वही बैलेंस शीट मैं बनाता हूं ऑन वाइंडिंग अपडेट। पर्पस इज टू फाइंड पीएनएल डेबिट बैलेंस, पर्पस इज टू फाइंड पीएनएल डेबिट बैलेंस, क्योंकि वो डेफिशिएंसी अकाउंट बनाने के लिए लगेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन पेपर में आपको इन्फॉर्मेशन दिया है ना बैलेंस शीट, वही हम लिख रहे हैं। जो आपको क्वेश्चन पेपर की इन्फॉर्मेशन है ना बैलेंस शीट की, वही मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर में जो आपको बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन दिया गया है वही मैं लिख रहा हूँ। बैलेंस शीट ऑन वाइंडिंग अपडेट। चलिए मैं पहला क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, आप बताना मुझे असेट लायबिलिटी कहाँ लिखेंगे, ठीक है। सो इक्विटी कैपिटल लायबिलिटी होता है, प्रिफरेंस कैपिटल लायबिलिटी, कॉल सिनेरियल असेट में लिखो या लायबिलिटी में पेड अप कैपिटल से लेस करो, 2 लाख माइनस 4,000, कॉल्ड अप कैपिटल 2 लाख माइनस 4,000, कॉल इन अरियर पेड अप 196, मॉर्गेज डिबेंचर लायबिलिटी, क्रेडिटर लायबिलिटी, सेकंड क्रेडिटर लायबिलिटी, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बिल डिस्काउंटेड कहाँ भी नहीं आएगा, वो तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का फिगर होता है ना, बैलेंस शीट की बाहर का होता है। करंट लायबिलिटी लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी, इनकम टैक्स ड्यू लायबिलिटी, सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, बैंक लायबिलिटी, कैश असेट, डेटर असेट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज असेट, लैंड बिल्डिंग असेट, मशीनरी असेट, फिक्स्चर असेट, स्टॉक असेट, पेटेंट असेट, और बैलेंसिंग फिगर हमारा एक्युमुलेटेड लॉस पीएनएल डेबिट बैलेंस होगा। तो इतना ज़्यादा बना दो, बैलेंस शीट बना दो, अब बैलेंस शीट बना दीजिए। चलिए मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं स्ट्रेट वे बैलेंस शीट बनाता हूँ, क्यों क्वेश्चन पेपर से दिया। पहले लायबिलिटी लिखो क्योंकि हमको पहले लायबिलिटी के फिगर दिए हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख दिए थे, लेस कॉल सिनेरियो 4,000 दिया है, ये बैलेंस शीट है जो उन लोग दे सकते थे, तो वहां टाइम बचता था। ये क्यों बना रहे, क्योंकि तो मुझे एक्यूमुलेटेड लॉसेस ऑन द डेट ऑफ फाइंडिंग अप मिलेगा, वो डेफिशिएंसी अकाउंट बनाने के लिए जरूरी है। विदाउट दैट हम डेफिशिएंसी अकाउंट नहीं बना पाएंगे। डेफिशिएंसी अकाउंट क्या है मैं बता देगा एक बार, ये दोनों पता है ना सिक्योर्ड क्रेडिटर थे, ठीक है।
कैश डेटर्स, ये सब बुक वैल्यू आएगी, पता है ना, ये सब बुक वैल्यू आएगा क्योंकि ये तो बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट तो बुक से बनती है। बैलेंसिंग फिगर है निकाल दिया, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ऑफ बीआर डिस्काउंटिंग, will not come in balance sheet. Contingent liability of BR discounting will not come in balance sheet. ठीक है, क्या आप टोटल करके बता सकते हैं कितना है? ये हो गया 12,42,000. क्या टोटल सही है क्या? Anybody found? ठीक है, अब हम डेफिशिएंसी अकाउंट सीखते हैं कैसे बनाएंगे। चलिए, हाउ टू प्रिपेयर डेफिशिएंसी अकाउंट, आर यू रेडी विद दिस? यहाँ तक लिख दिया है तो ऑफ ओके कर दो, इफ यू कंप्लीटेड अप टू दिस तो ऑफ और ओके करो, फिर हम डेफिशिएंसी अकाउंट और एक बार सीखते हैं, हम डेफिशिएंसी अकाउंट और एक बार सीखते हैं। ठीक है, ओ वेरी गुड, 10 ऑफ यू फिनिश्ड, वेरी नाइस वेरी नाइस, तनिष्क है, अंश है। ठीक है, अब हम डेफिशिएंसी अकाउंट एक बार ये सीखते हैं, नाम अकाउंट है बट एक्चुअली में वो स्टेटमेंट है। ठीक है, डेफिशिएंसी अकाउंट लिस्ट एच, ठीक है, ये एक्चुअली स्टेटमेंट है, नाम ही अकाउंट है उसका खाली। ये कैसे बनाने का मैं बताता हूं, हाउ टू मेक डेफिशिएंसी अकाउंट, एग्जाम में ये पूछा गया है तो ये बनाने का, जनरली एग्जामिनर जल्दी से पूछता नहीं है बिकॉज देन द सम बिकम्स वेरी लेंथी, इसके लिए ओके कैसे स्टार्ट करते हैं, जो भी पेपर में ओल्डेस्ट एक्यूमुलेटेड लॉस है ना वो यहाँ लिखते हैं, ओल्डेस्ट एक्यूमुलेटेड लॉस, तो उसको बोलता हूं मैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज, कैपिटल एंड लायबिलिटीज ओवर असेट्स, जो ओल्डेस्ट होता है ना, ओल्डेस्ट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज ओवर असेट, जो भी ओल्डेस्ट होता है ओके, पेपर में जो ओल्डेस्ट कैपिटल एंड लायबिलिटी ओवर असेट्स बोलते हैं ना उसको एक्युमुलेटेड लॉस बोलते हैं। देखते हैं क्या है, कौन सा ईयर है ओल्डेस्ट हमें दिया गया है,
ओल्डेस्ट 98 है। इन 98 कंपनीज कैपिटल इज सेम, उससे मुझे लेना नहीं है, बट देयर वाज अ जनरल रिजर्व। सो 98 में तो प्रॉफिट था, जनरल रिजर्व था, तो लॉस कितना, एक्युमुलेटेड लॉस नहीं दिया है। 98 में मुझे टेक्निकली एक्युमुलेटेड लॉस नहीं है, बट PNL accumulated loss नहीं है, but we have a general reserve. अब general reserve profit होता है, but मुझे ये loss का statement है, ये मेरा loss का statement है, तो मैं minus 65 लिखता हूँ, मतलब ये profit है, इसके लिए minus लिखता हूँ। ये मेरा statement loss का है, मैंने लिखा है excess of capital and liability over asset, मतलब ये loss का statement है। ये 98 की पोजीशन है कि 98 में माइनस 65 का लॉस था, मतलब प्रॉफिट था, 98 में प्रॉफिट था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 98 के प्रॉफिट के बाद अप टू द डेट ऑफ वाइंडिंग अप इतना बड़ा लॉस हो गया। सी डेफिशिएंसी स्टेटमेंट में, फर्स्ट पार्ट ऑफ डेफिशिएंसी स्टेटमेंट में क्या करता पता है, हम ओल्डेस्ट लॉस से स्टार्ट करते हैं और बैलेंस शीट की डेट का लॉस के साथ टैली करते हैं, रिकंसाइल करते हैं कि जब मेरा 65,000 का 98 में प्रॉफिट था तो अप टू द डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऐसे क्या इवेंट हुआ, ऐसा क्या घटना दुर्घटना हो गया कि दैट रिजल्टेड इनटू एक्युमुलेटेड लॉस ऑफ 683,800। आई रिपीट, डेफिशिएंसी अकाउंट का फर्स्ट पार्ट क्या है कि वी स्टार्ट विद द ओल्डेस्ट लॉस, क्योंकि लॉस का स्टेटमेंट है, जनरल रिजर्व को माइनस में लिखता हूं। वहां से लेके अप टू द डेट ऑफ वाइंडिंग अप जर्नी में क्या क्या इवेंट हुआ, क्या क्या माइलस्टोन हुआ, क्या क्या दुर्घटना हुई बिकॉज ऑफ विच हमारे को लॉस हो गया, ठीक है, देखते हैं। फिर इन 99 में एक प्रॉफिट हुआ, बट उसके बाद में हम कंटिन्यूअसली लॉसेस सफर हुआ। 99 में एक ट्रेडिंग प्रॉफिट हुआ, देयर आफ्टर 4,67,000 का कंटिन्यूअस लॉस हुआ, और 2001 में स्पेक्यूलेशन भी लॉस हुआ। ओके, तो देखते हैं मैं कैसे लिखता हूं। ओके, 99 में ट्रेडिंग प्रॉफिट हुआ, मतलब लॉस नहीं हुआ, क्योंकि ये प्रॉफिट है उसको भी मैं माइनस में लिखता हूं। बट फ्रॉम 99 लॉसेस फोर लैख 67 का लॉस हो गया था, और 2001 में कुछ स्पेक्यूलेशन भी लॉस हुआ है। मैं क्या बोलता हूं, हमने 98 से स्टार्ट किया एंड अप टू द डेट ऑफ वाइंडिंग अप जाना है, मुझे बताना है कि ऐसा क्या हुआ उसकी वजह से 683,800 का लॉस हो गया। फिर क्या हुआ, फिर 99 एंड 2000 में कुछ प्रिफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड दिया था। प्रिफरेंस डिविडेंड हमने 2 years का दिया था, 99 एंड 2000 का। मेरी प्रिफरेंस शेयर कैपिटल है, मेरी प्रिफरेंस शेयर कैपिटल है 3,00,000, उसका 3%। मेरी प्रिफरेंस शेयर कैपिटल है 3,00,000, उसका 6%। 2 times हमने डिविडेंड दिया है और 1 time इक्विटी डिविडेंड दिया है। आप सोचो, डिविडेंड देने से मेरा पीएनएल में डेबिट हो जाता है, मतलब मेरी लॉस बढ़ जाता है, इट्स एन एक्सपेंस, सो मेरा लॉस इंक्रीज हो जाएगा। Preference dividend is a outgo, 18,000, 2 times dividend दिया है, 1 time मैंने equity dividend दिया है, मेरी paid up capital 1,96,000 है, मैंने 1 time dividend दिया है, ठीक है। फिर
ये आउटगो है, हेंस एक्सपेंसेस है, हेंस लॉसेस है, आउटगो है, एक्सपेंस एंड लॉस है। फिर क्या हुआ, 62,002 में मुझे पेनल्टी लग गया एक्साइज के लिए और 1,62,200 इनकम टैक्स की पेनल्टी लग गई, तो वो भी तो लॉसेस है, पीएनएल में डेबिट होता है एक्साइज पेनल्टी एंड इनकम टैक्स पेनल्टी। एक्साइज पेनल्टी वापस एक बार बताता हूं, मैंने डेफिशिएंसी स्टेटमेंट कैसे बनाया है, इनकम टैक्स पेनल्टी, बस इतने ट्रांजेक्शन दिए हमको, अभी तक हमको इतने ट्रांजेक्शन दिए हैं, ठीक है, बस आगे कुछ नहीं है, ओके। अब ये जो फिगर है, पहला इसका टोटल ले लो, कैलसी से टोटल ले लो कितना है, कैलसी से आप टोटल ले लो, कैलसी से टोटल ले लो, ये हो गया 683,800, ये हो गया 683,800। फिर हम लोग अदर आइटम लिखते हैं एज ए बैलेंसिंग फिगर, और मेरा जो लॉसेस पर बैलेंस शीट है ना वो लिखते हैं इधर ऑन वाइंडिंग अपडेट, वो हमारे प्रॉब्लम में 683,800 है, हमारे प्रॉब्लम में वो 683,800 है। सो ये बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा, नील हो जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर नील हो जाता है, ये हमारा फर्स्ट हर्डल पर पहुंच गया। देखो हमने ये जो बैलेंस शीट बनाई थी वो इसी के लिए बनाई थी कि आई वॉन्टेड एक्यूमुलेटेड लॉस ऑन द डेट ऑफ वाइंडिंग अप, क्योंकि मुझे ये टैली करना है। तो देखो ये जर्नी का अंडरस्टैंडिंग समझो, ये जर्नी का अंडरस्टैंडिंग ये है कि 1998 में 65,000 का प्रॉफिट था, तो ऐसा क्या घटना, दुर्घटना, इवेंट, ट्रांजेक्शन हुआ कि अप टू द डेट ऑफ वाइंडिंग अप जो 5-7 ईयर्स की जर्नी है उसके अंदर हम लोग 683,800 के एक्यूमुलेटेड लॉसेस में आ गए। तो अब ये इसका रीडिंग समझे तो आई कैन से 98 में देयर वाज अ पॉजिटिव 65,000, मतलब जनरल हिसाब इज अ पॉजिटिव प्रॉफिट या तो नेगेटिव लॉस। फिर इवन 99 में हमने प्रॉफिट किया, सो फर्स्ट टू इयर्स में तो हम प्रॉफिट किया, बस बाद में अपना सब उल्टा पुल्टा बैड लक स्टार्ट हुआ। कैसे, आफ्टर 99 बहुत बड़ा लॉस हो गया 4,67,000 का, 2001 में स्पेक्यूलेशन लॉस हो गया, हमने दो डिविडेंड भी दिया तो आउटफ्लो ऑफ प्रॉफिट हो गया, फिर एक्साइज ने पेनल्टी लगाया, इनकम टैक्स ने पेनल्टी लगाया, उसकी वजह से मेरा बैलेंस शीट की डेट का फिगर 683,800 हुआ। जरूरी नहीं है कि ये टैली हो, ये टोटल सपोज 6 लाख होता था ना, 6 लाख, तो मैं बैलेंसिंग फिगर 83,800 अदर आइटम लिख देता था, ये उसी के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अब कितने लोग को ये समझ में आ गया, वो क्या टाइप करेंगे, एस टाइप करेंगे, समझ में आ गया यहाँ तक का डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट कैसे बनता है, एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी ओल्डेस्ट डेट से स्टार्ट करते हैं, ओल्डेस्ट डेट से, फिर बाद में क्वेश्चन पेपर में जो भी इंफॉर्मेशन दिया हमने यूज किया और बैलेंस शीट डेट वाइंडिंग अप डेट का हमने फिगर के साथ टैली किया, नहीं टैली होता है तो बैलेंसिंग फिगर आइटम लिखते हैं। कितने लोग को समझ में आया, यहाँ तक खत्म नहीं हुआ डेफिशिएंसी अकाउंट, एस वर्ड एक भी एस नहीं आया, अंश, तनिष्क, कोई नहीं, दीपम आया, आयुषी है, 9 ऑफ यू आर देयर, गुड। चलिए अब मेरी बैलेंस शीट डेट पर 683,800 का लॉस है, तो उसके बाद में
डायरेक्टर के हिसाब से 7,87,800 का लॉस होने वाला है। तो अभी ऐसा क्या हुआ कि 6,83,800 का लॉस बढ़ के एंड में 7,87,800 होने वाला है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी एक टाइप की बैलेंस शीट है और ये भी बैलेंस शीट है, वो दोनों कंपेयर करके डिफरेंस लिखते हैं। बैलेंस शीट वाइंडिंग अप भी बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बैलेंस शीट है, इन डिफरेंट फॉर्मेट। तो एक एक आइटम कंपेयर करते हैं और या तो लॉसेस बढ़ता है, कोई एसेट की वैल्यू डाउन होने वाली है, रियलाइजेबल वैल्यू डाउन होने वाली है, तो लॉसेस इंक्रीज होगा, डेफिशिएंसी इंक्रीज होगा। सपोज कोई एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू ज़्यादा है तो डेफिशिएंसी कम हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो अभी हम इसके बाद क्या लिखते हैं, आइटम्स इंक्रीजिंग डेफिशिएंसी से 12 लाइन एंड 12 लाइन के बाद आइटम्स रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी। आइटम्स रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी, आइटम्स इंक्रीजिंग डेफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी। लिखिए, ओके तो देखते हैं क्या करना होता है आपको। बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कंपेयर करना है। जैसे कैश, आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में चेक करो, सेम वैल्यू है, नो चेंज। लेकिन डेटर्स बैलेंस शीट में 90 है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में देखो 65 है, तो 25 का लॉस हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में 35 है, यहाँ भी 35, नो प्रॉफिट नो लॉस। लैंड बिल्डिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में 150 है, लेकिन रियलाइजेबल वैल्यू 165, 15 का प्रॉफिट, वो रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी में आएगा। तो एक एक स्टार्ट करो। मशीनरी 120 है बैलेंस शीट में, लेकिन रियलाइजेबल वैल्यू 90 है, 30 का लॉस हो जाएगा। फर्नीचर की रियलाइजेबल वैल्यू 8 है, बुक वैल्यू 12 है, लॉस हो जाएगा। ऐसे एक एक आइटम कंपेयर करिए, एक एक आइटम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बैलेंस शीट के साथ कंपेयर करिए। कैश नो चेंज, लेकिन डेटर्स डेटर्स बैलेंस शीट वैल्यू 90 है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर रियलाइजेबल वैल्यू 60 है, 65 है, 25 का लॉस हो जाएगा, मेरी डेफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। लैंड बिल्डिंग जो था, लैंड बिल्डिंग वो रियलाइजेबल वैल्यू 1,65,000 है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में, बुक वैल्यू बैलेंस शीट में 1,50,000 है, तो 15 का लॉस हो जाएगा। डेटर्स के बाद प्लांट एंड मशीन जो इनिशियली 120 बुक वैल्यू है, बट रियलाइजेबल वैल्यू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ओनली 90 है, सो 30,000 का लॉस हो जाएगा। फिक्स्चर रियलाइजेबल वैल्यू 8 है, बुक वैल्यू 12 है, तो ये भी 4,000 का लॉस हो गया, डेफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। स्टॉक पीटी ऑन 60, 20 का लॉस हो गया। पेटेंट्स बुक वैल्यू 70 है, रियलाइजेबल वैल्यू ओनली 25 है, 45 है, तो यहां भी 25 का लॉस हो गया। ओके, अब
लैंड बिल्डिंग हो गया, लायबिलिटी में कहां भी चेंज नहीं एक्सेप्ट वन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी और बिल डिस्काउंटेड, बुक वैल्यू जीरो है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हम 15 बता रहे तो भी तो लॉस हो जाएगा। बाकी क्रेडिटर, इक्विटी कैपिटल, प्रीफरेंस कैपिटल वो सब सेम है, वहां कहां भी चेंज नहीं है, तो ये प्रॉफिट हो गया है। इसको माइनस लिखना है तो माइनस लिखते हैं, प्रॉफिट हो गया। तो अल्टीमेटली ये मेरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के साथ टैली होता है, अल्टीमेटली ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के साथ टैली होती है, डेफिशिएंसी एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। सो ये वाला जो सेकंड वाला पार्ट है ना, यहां से यहां, ये प्योर कंपेरिजन है। कंपेरिजन बिटवीन वॉट? कंपेरिजन बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड बैलेंस शीट ऑन वाइंडिंग अपडेट। एवरी आइटम सिंगल वन बाय वन ट्रेस करना है। एग्जाम में डेफिशिएंसी स्टेटमेंट हम तभी बनाते हैं जब क्वेश्चन पूछता है, नॉट ऑल द टाइम वी आर आस्क्ड। कितना लोग को ये समझ में आ गया डेफिशिएंसी अकाउंट? तो आई फॉर इंटेलिजेंट टाइप करो। डेफिशिएंसी अकाउंट समझ में आ गया है तो आई फॉर इंटेलिजेंट टाइप करो। वाओ, 10 ऑफ यू, वेरी नाइस वेरी नाइस, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अब सी ए सी पी ए एम बी ए सी एफ ए तो हो ही जाएंगे। अब मैंने यूट्यूब पर कुछ दो तीन वीडियो रखा है, आपको लिंक शेयर किया है। एक तो हाउ टू फाइंड इंटर्नशिप योर ऑन, और एक है हमारा ये ऑनर्स का स्टूडेंट, अ नॉर्मल ऑर्डिनरी स्टूडेंट, उसने 98.4% लिया है। वो तो मैथ्स में फेल हो गया था 11th स्टैंडर्ड में, तो फिर भी कैट में 98.4% लाया है, तो कैसे लाया वो दिया है आपको। ओके, मैंने जब स्टार्टिंग में थियरी लिखवाया था ना, तो डेफिशिएंसी अकाउंट की नोट्स नहीं लिखवाई थी। मैंने बोला था 15 लाइन छोड़ देना, तो भी ये नोट्स पूरी कर देते हैं ना। आपके पास जगह नहीं है तो कभी भी लिख सकते हैं थियरी नोट्स, फॉर्मेट ऑफ डेफिशिएंसी अकाउंट। मैंने उस वक्त बोला था 15 लाइन छोड़ देना, बिकॉज आई डिड नॉट एक्सप्लेन दैट टाइम। अभी लिखते हैं, एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटी ओवर असेट्स। एग्जैक्टली क्या लॉस हुआ? ओल्डेस्ट अक्यूमुलेटेड लॉस as given in question. Oldest accumulated loss as given in question. Oldest accumulated loss as given in question. ठीक है, फिर इसके बाद up to the date of winding up कोई लॉसेस होता है तो हमारी डेफिशिएंसी बढ़ती है, प्रॉफिट्स होता है तो डेफिशिएंसी कम होती है। ठीक है, फिर डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एंड प्रिफरेंस शेयर्स दिया तो अगेन डेफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये एक्सपेंसेस से आउटगो है। डिविडेंड ऑन प्रिफरेंस शेयर्स हुआ,
डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स हुआ, ठीक है, अदर आइटम इफ एनी। ठीक है, अब जो फिगर आएगा वो पीएनएल डेबिट बैलेंस एस पर बैलेंस शीट ऑन वाइंडिंग अपडेट। पीएनएल डेबिट बैलेंस एस पर बैलेंस शीट ऑन वाइंडिंग अपडेट, फिर क्या करते हम, आइटम्स इंक्रीजिंग डेफिशिएंसी। और आइटम्स रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी, ये आ गया मेरा डेफिशिएंसी। ये दो आइटम कैसे मिलती है, कंपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड बैलेंस शीट ऑन वाइंडिंग अपडेट, ये यहां से मिलती है। अबव अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर सरप्लस ऑल्सो, इट इज प्रिपेयर्ड इन द एग्जाम ओनली फास्ट। It is prepared in the exam only fast. सर दो मिनट लिखना है। हाँ हाँ हाँ, कुछ समझ में आया, लेकिन अंश समझ में आया ये? Yes sir, ये other items bracket में bell लिखा है। Balancing figure होता है ना ये, याद कर। Okay. याद आया? हाँ sir. क्योंकि अभी हमारे प्रॉब्लम में टैली हो गया था ना कुछ 683-800, कोई कोई प्रॉब्लम में टैली नहीं होता है, जितनी इन्फॉर्मेशन दिया होता है ना इन्फॉर्मेशन में वो सफिशिएंट नहीं होती है, नहीं टैली होता है तो नहीं होता है, तो बैलेंसिंग ले लेते। बैलेंसिंग आप अभी ऑफलाइन चैलेंजिंग एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, हो गया अंश? यस सर, आगे चले। ओके, अब कुछ और बातें लिखनी है। स्पेशल इश्यू
on preferential creditor. All dues to worker. Worker किसको बोलते हैं? Labor class. R preferential in nature. एंड की जरूरत नहीं है विदाउट एनी लिमिट. अगेन वर्ड नहीं लिखेंगे तो चलेगा. दे आर also overriding in nature. Yes sir. No, okay. Oh madam, sir bhi mil lo. Madam bhi free hai. Unko jara orientation de do na attendance. Ek. Alta gaadi galti ka. Main nahi galti. Main karta hu mil kar. They are also overriding in nature. It means if any creditors are having fixed charge on assets and realization from a certain amount will be apportioned between workers' dues and secured creditors. However, in that case, whatever amount is paid to workers in place of secured creditor, to that extent, secured creditor will take place of workers' dues as preferential creditor. This
concept of overriding preferential creditor is relevant only while making payment. It has nothing to do with repression of statement of affairs. It is prepared as usual. मैं समझा तुम क्या लिखा है. या तो इधर भी हेडिंग नहीं लिख सकते. स्पेशल इश्यू ऑन प्रिफरेंशियल क्रेडिटर दैट इज ओवरराइडिंग प्रिफरेंशियल क्रेडिटर. मैं समझाता हूं ये क्या है. आई विल एक्सप्लेन दिस क्या है. इंटरेस्टिंग फंडा है. आई विल एक्सप्लेन दिस, डोंट वरी. लिख दिया. तो वो टीम ओनर नहीं है अभी तक. इनसाइट भी नहीं दिख रहे हैं. उनका अटेंडेंस डाउनलोड नहीं हुआ. क्यों? वो टीम क्यों ओनर है? मैंने उनकी सेटिंग में देखो. खोला उधर पीछे. हाँ उधर देखो, बैठो ना. उनका वो टीम खोलो ना. मैंने वो जो क्लास की टीम में ओनर बना तो नहीं है. तो मैं बना देगा. अरे वो ऑनर ही है. मैंने ऐसे ऑनर ही ऐड किया उसको. मैं तो वो मीटिंग कैसे सेट कर सकती थी. ठीक है, बट वो देख लेंगे बाद में. सर लिख दिया. डिड यू रिटर्न, डिड यू राइट दिस? सर वो ऑनर ही है क्योंकि उसमें तीन डॉट आया था ना. नहीं तो तीन डॉट ही नहीं आते. ठीक है, बाद में लिखते हैं. अभी किसका? विश्वनाथ सर है. वो ईआईएस वाले ले रहे हैं. आप खाली बैठने जाते एक रूम खाली होगा ना. तीन टीचर है. नहीं नहीं तीन टीचर होंगे ना तभी. सेजल जो है ना, सेजल के तुम नाम लेते हो. ये मैडम को बिठा देना तभी. चलिए चलिए, लिख दिया. मैं समझाऊं क्या सर? वो जो एफआई ऑनर्स वाले टीचर है ना, उनसे हार्ड कॉपी लेना है. नहीं दिया होगा तो
बिल का लगेगा ना अपने को, रेम्यूनरेशन वाला ना? सर से समय नहीं दिया तो भरा सकते, मेरे पास कॉपी है, लिख दिया। सुनना क्या लिखा है, ये जो वर्कर के ड्यू है ना, वर्कर के ड्यू प्रिफरेंशियल तो आप मानते हैं, बट दे आर ओवरराइडिंग इन नेचर, मतलब वर्कर का अधिकार बहुत ज्यादा है। सपोज कोई लैंड बिल्डिंग बेचा है ना, विच इज अ मॉर्गेज टू बैंक, बैंक इज अ सिक्योर क्रेडिट फॉर लैंड बिल्डिंग, तो बैंक जब अपना पैसा लेती है ना तो वर्कर बोलता है मुझे भी प्रोपोर्शनेट पैसा दो। दैट इज अ मीनिंग ऑफ द वर्ड ओवरराइडिंग इन नेचर। व्हाट इज अ मीनिंग, देखिए आप, पहला तो ऑल द ड्यूज ऑफ वर्कर आर प्रिफरेंशियल इन नेचर विदाउट एनी लिमिट, दे आर ऑल्सो ओवरराइडिंग इन नेचर। उसका मतलब क्या है, इफ एनी क्रेडिटर्स हैविंग फिक्स्ड चार्ज ऑन असेट देन रियलाइजेशन ऑफ असेट विल बी अ पोर्शन डिस्ट्रीब्यूटेड between worker due and secured creditor. However, in this case, whatever amount is paid to worker in place of secured creditor, to that extent, secured creditor will take place worker's due as a preferential creditor. ये जो भी concept हम समझ लेते हैं, this concept of overriding preferential creditor is relevant only when you actually make payment. It has nothing to do with preparation of statement of affair. It is prepared as usual. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जैसे बनाते हैं वैसे ही बनता है। आपको डब्बा वगैरह लाया है तो खाने के खा सकते हैं, इधर नीचे कैंटीन भी है वैसे इंफॉर्मेशन के लिए, सबको पूछ लेना। ऑलराइट, अब हम लोग एक छोटा सा सम करता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं सो दैट आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैं अभी सम लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आप भी मेरे साथ में लिखना स्टार्ट कर देना। एग्जाम्पल, वर्कर्स ड्यूज 1 lakh एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 4 lakh। Worker dues 1 lakh, secured creditor 4 lakh. Amount realized by selling security of secured creditors 3 lakh. Amount realized by selling security of secured creditors 3 lakh. How amount will be distributed? Dekho, we have got only 3 lakh rupees. Normally, normal sense to ye ki pura ka pura 3 lakh jo security of secured creditor hai to secured creditor 4 lakh par dena chahiye, ye mera normal hai, but due to concept of overriding, preferential creditors, the amount will be distributed. अपने को सर सबका है ना पेमेंट, सर हार्ड कॉपी सबमिट करना है बिल का, due to amount, due to concept of overriding preferential creditor, the amount will be distributed proportionately between workers
and secured creditors. अरे 4 लाख है ना ये, since workers are paid in place of secured creditors to the extent of 60,000, secured creditors will be considered as preferential creditors. मतलब क्या? देखो, normally तो the entire 3 lakh secured creditor को जाता था, क्योंकि इतना asset realize करके आया है. असेट रियलाइज करके 3 लाख आया तो पूरा 3 लाख सिक्योर्ड क्रेडिटर को जाता था, बट हमने तो 2,40,000 सिक्योर्ड क्रेडिटर को दिया है और 60 हमने वर्कर को दे दिया है. तो सिक्योर्ड क्रेडिटर चिल्लाएंगे तो कंपनी एक बोलता चिल्लाओ मत, एटलीस्ट 60 के लिए आपको मैं प्रिफरेंशियल मानेगा. तो पता है ये सिक्योर्ड क्रेडिटर की फाइनल पोजिशन क्या हुआ है? रिमार्क फॉर अंडरस्टैंडिंग. उनका 4 लाख था, इसकी फाइनल पोजीशन क्या है जब पेमेंट करेंगे तब? पेड फ्रॉम असेट कितना है? 2 लाख. 60 को क्या मानेंगे? वर्कर की जगह ले लेंगे वो एज ए प्रिफरेंशियल क्रेडिटर. ये वर्कर की जगह ले लेंगे एज ए प्रिफरेंशियल क्रेडिटर. और बैलेंस 1 लाख अभी भी बचा, वो असेट शॉर्ट हो गया ना, वो तो अनसिक्योर्ड कंसीडर करेंगे. बैलेंस 1 लाख इज अनसिक्योर्ड, ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड, कितने को ये 4 लाख का ब्रेकअप समझ में आया? वो आई फॉर इंटेलिजेंट टाइप करो तो जरा. 4 लाख का ब्रेकअप समझ में आ गया तो आई फॉर इंटेलिजेंट टाइप करो. सिक्योर्ड क्रेडिटर 4 लाख, असेट बेच के 240 पे किया है. रियली 3 कर सकते थे क्योंकि असेट से 3 लाख आया, लेकिन वर्कर ने प्रोपोर्शनेटली पहला अधिकार ले लिया तो फिर हमने वर्कर की जगह ले ली एज ए प्रिफरेंशियल. रिमेनिंग 1 लाख तो शॉर्ट ही है. इसको समझ में आ गया? आई फॉर इंटेलिजेंट टाइप करो तो जरा. क्लास में आज कोई आया नहीं है? इतने लोग को समझ में आ गया है 4 लाख का ब्रेकअप? आई फॉर इंटेलिजेंट टाइप करो जल्दी से. वाओ, वेरी गुड. वापस एक बार देखते हैं ना, मजा अच्छा कॉन्सेप्ट है. देखो, वर्कर का 1 लाख है, सिक्योर्ड क्रेडिट 4 लाख है. सपोज असेट बेच के 5 लाख पे करते थे तो प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन ऐसा नहीं है. असेट बेच के ओनली 3 लाख आया तो वर्कर तो सबसे आगे लाल झंडा लेके खड़ा रह जाएंगे. तो वर्कर और सिक्योर्ड क्रेडिटर को प्रोपोर्शनेटली देना है. दैट इज द मीनिंग ऑफ ओवरराइडिंग.
तो जो 3 लाख में से 240 सिक्योर्ड को मिला, क्योंकि 60 को वर्कर को ले लिया, तो फिर टू द एक्सटेंट ऑफ 60 जो सिक्योर क्रेडिट है वो वर्कर की प्लेस ले लेंगे एज ए प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। ठीक है, तो 4 लाख का जो सिक्योर क्रेडिटर का पोजिशन ऐसा है कि 250 तो हम असेट बेच के पे कर दिया, 60 अभी वर्कर की जगह लेंगे एज ए प्रिफरेंशियल, और 1 लाख तो वैसे ही सिक्योरिटी कम है। ठीक है, चले चलो अभी हमारा एक पार्ट ऑफ द टॉपिक खत्म हो गया, वन पार्ट ऑफ द टॉपिक इज ओवर। व्हाट इज दैट वन पार्ट ऑफ द टॉपिक इज ओवर? प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो अभी दूसरा पार्ट ऑफ द टॉपिक क्या है? हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द टॉपिक है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये क्या होता है लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट? पता है ना, लिक्विडेटर सब असेट एक्चुअल बेचना स्टार्ट करेंगे, लायबिलिटी पे करेंगे। इफ यू कैन पे ऑफ लायबिलिटी इन द सेम ईयर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेनी ए टाइम सेलिंग ऑफ असेट पेमेंट ऑफ लायबिलिटी में गो फॉर 2, 3, 4, 5 ईयर्स, देन एवरी ईयर उसको हिसाब तो देना पड़ेगा ना शेयर होल्डर को, तो एवरी ईयर ही विल गिव अ स्टेटमेंट, उसको बोलते हैं एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, वो हमको नहीं सीखना है। एंड एक बार पूरा लिक्विडेशन खत्म हो गया तो कंप्लीट समरी ऑफ ऑल द ईयर्स देंगे अंडर द नेम फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इट्स लाइक अ कैश बुक, ये ऑलमोस्ट लाइक ए कैश बुक है कि लिक्विडेटर ने ओवर द ईयर कितना पैसा असेट से लिया और किसको किसको दिया है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए कैश बुक। तो उसका फॉर्मेट भी वैसे ही होगा, रिसीट ऑफ मनी एंड पेमेंट ऑफ मनी। अभी लाइन ड्रॉ करो, मैं एक मिनट लाइन बाद में ड्रॉ करते हैं, जस्ट 1 मिनट, कुछ 2-3 लाइन लिखते हैं फिर लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए, दिस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय liquidator and it is actual statement of and it is actual statement based on actual transaction this is similar to cash account and it is prepared at end of liquidation process. एक मिनट, हाँ, just 1 मिनट, just 1 मिनट, हाँ। ओके, अब हम एक्चुअल स्टेटमेंट बना रहे हैं।
ये कैश बुक ही है, इट्स अ टाइप ऑफ कैश बुक ओनली. Receipts and payment. ठीक है. So हम लोग क्या सीख रहे हैं? Liquidators final statement of account. कब बनाते हैं? Complete liquidation के बाद. कौन बनाएगा? Liquidator बनाएगा. क्यों बनाएगा? उसको shareholder को हिसाब तो देना पड़ेगा ना, account तो देना पड़ेगा ना, कितना receipt हुआ, कितना payment हुआ and so on. So start करते हैं. Opening. कैश एंड बैंक, फिर असेट्स रियलाइज्ड. अभी एक्चुअल क्या बेचा है? असेट रियलाइज्ड. कौन सी वाली? असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड. फिर surplus from securities. इसका मतलब क्या होता है? Asset specifically placed. कितना पैसा आया, उसमें कौन कौन पैसा ले जाएगा, याद है? Secured creditors. जो भी secured creditor है वो ले जाएगा. And if you recollect, overriding preferential creditor भी लेके जाता है. फिर कॉल सिनेरियो से कुछ पैसा है तो वो भी आ जाएगा. फिर कॉल सिनेरियो क्या होता है? कंपनी ने ऑलरेडी कॉल कर दिया है, मैक्सिमम लोगों ने भर दिया, कुछ लोगों का पैसा बाकी था. Calls from contributory. Contributory. ये क्या होता है? Equity shareholder, preference shareholders को contributory बोलते हैं. यदि उनका partly paid up है, मतलब कुछ call करना बाकी था और पैसे की जरूरत है, तो श्योरली लिक्विडेटर कॉल करके पैसा मंगाएगा. पार्टली पेड अप है तो ही. सो कितने शेयर्स, ऑन हाउ मेनी शेयर्स, एट व्हाट पर शेयर वी आर आस्किंग शेयरहोल्डर टू पे. ये जरूरत पड़ता है तो ही, दैट टू ऑल्सो ओनली पार्टली पेड अप है तो ही, वरना नहीं. सो रिसीट में देखो क्या क्या आएगा. मेरे पास ओपनिंग कैश है. फिर जो असेट स्पेसिफिकली प्लेज नहीं है उसके पैसे आएंगे, लेकिन स्पेसिफिकली प्लेज के पैसे तो सिक्योर क्रेडिटर ने ले लिए, ओवरराइडिंग प्रिफरेंशियल ने क्रेडिटर ले लिए, उसमें से बचा तो मुझे मिलेगा दूसरे को देने के लिए. फिर कॉल सिनेरियो आएगा, कॉल फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी. अब ये जो भी पैसा आया, किस ऑर्डर में किसको पेमेंट करने वाले हैं? आई सेड किस ऑर्डर में किसको पेमेंट करने वाले हैं, किस ऑर्डर में किसको पेमेंट करने वाले हैं. तो सबसे पहले लीगल एक्सपेंसेस पे करेंगे, उसके बाद लिक्विडेटर अपना रेम्यूनरेशन लेगा, उसके बाद
लिक्विडेटर का कुछ और एक्सपेंस भी होगा। लिक्विडेटर का कुछ एक्सपेंसेस भी तो हुआ। फिर प्रेजेंटेशन में लायबिलिटी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, वो प्रेजेंटेशन में लिखते हैं, बट रियली पेमेंट में है ना, डिफरेंशियल क्रेडिटर पहले जाता है। एग्जाम्पल कौन है? डिबेंचर एंड इंटरेस्ट। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर रियल पेमेंट में ना, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पहले जाता है, फिर डिबेंचर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज जाता है, बट प्रेजेंटेशन में ये पहला है। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसा देंगे, फिर भी पैसा बचा तो प्रिफरेंस होल्डर्स को देंगे। फिर भी पैसा बचा तो इक्विटी होल्डर्स को देंगे। इक्विटी होल्डर्स को ऑन हाउ मेनी शेयर्स एट व्हाट पर शेयर हमने रिफंड दिया, और ये हमारा स्टेटमेंट टैली होता है। एग्जामिनर के लिए सपोज लिक्विडेशन का अबाउट 8-10 मार्क का क्वेश्चन पूछता है, 12 मार्क का पूछना है, तो इसमें से बनता है क्योंकि जल्दी हो जाता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर टेक्स मोर टाइम टू बी सॉल्व, सो एग्जामिनर ये टॉपिक पसंद करता है जनरली प्रोफेशनल एग्जाम में। ओवर। लिख दिया, एएनएसपी वाला जो अमाउंट है एसेट्स रियलाइज्ड, वो ये सरप्लस वाले हेडिंग में लिखेंगे ना, सेपरेटली नहीं लिखेंगे? ठीक है, वो सेपरेटली है बेटा, ये सेपरेट है सर। ये डबल दो बार ऐड नहीं हो जाएगा क्यों? एक ही बार है। इधर भी सरप्लस में भी आपने ऐड किया है? नहीं देखो, सरप्लस में एएनएसपी है, वो एएनएसपी है, एएनएसपी है, सॉरी सॉरी सॉरी, एएनएसपी है। ये इधर आएगा, यू आर राइट। करेंगे सब सिंपल है। स्टार्ट करें आगे, कुछ नोट्स लिखना, कुछ एक्सप्लेनेशन लिखना, स्टार्ट करूं? ठीक है, चलिए रिमार्क्स मतलब नोट्स। फर्स्ट, सिंस लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज just like cash account and cash can never be
नेगेटिव ऑलवेज चेक कैश ऑलवेज चेक कैश बैलेंस बिफोर पेमेंट. ये रियली में हमको इतनी समस्या नहीं होती है, पैसा आते जाएंगे. आई डोंट सी एज ए बिग इश्यू. इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स are known as contributory. उनको contributory बोला जाता है. वो कब contribute करते पता है? Only if partly paid up होता है. All payments including interest all payments including interest up to the date of all payment interest and interest up to the date of winding up is paid. However, if company is solvent, मतलब पैसे है, then interest up to date of payment is paid. Remark. In our question, company is hence pay interest up to date of payment. क्या मीनिंग है इसका? सी बैंक लोन डिबेंचर इंटरेस्ट कब तक पेमेंट करना होता है? जनरल रूल इज अप टू द डेट ऑफ पेमेंट, अप टू द डेट ऑफ वाइंडिंग अप. ये जनरल रूल है. दैट इज इफ कंपनी इज इंसॉल्वेंट. लेकिन कंपनी सॉल्वेंट है, पैसा का कोई इश्यू नहीं है, तो इंटरेस्ट विल बी पेड अप टू द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट बाय द लिक्विडेटर. एग्जाम में कंपनी सॉल्वेंट ही होता है, क्योंकि कंपनी इंसॉल्वेंट है तो क्रेडिटर को भी पैसा नहीं दे पाएगी. भाई जबकि हम लोग नॉर्मली शेयर होल्डर तक पहुंचते हैं, सो एग्जाम में सॉल्वेंट होता है. तो डोंट वरी. सो एग्जाम में मुझे अप टू द डेट ऑफ पेमेंट बाय द लिक्विडेटर तक ही पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होल्डर बैंक लोन एंड ऑल. तो फिर व्हाट अबाउट प्रीफरेंस डिविडेंड या तो कॉल ये डिविडेंड इन अरियर एंड ऑल. प्रीफरेंस डिविडेंड विल बी पेड अप टू डेट ऑफ वाइंडिंग अप. ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होगा? पीना पीना मैडम का विचार.
पहला लीगल एक्सपेंस, फिर लिक्विडेटर्स एक्सपेंस, ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट है। प्रेजेंटेशन में थोड़ा माइनर डिफरेंस है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आउट ऑफ सिक्योरिटी रियलाइज्ड, व्हाइल एनी अनपेड अमाउंट टू देम will be unsecured creditor. तो जो डेफिशिएंसी टाइप का होता है ना, सिक्योर्ड क्रेडिटर को पैसा नहीं दे पाया तो अनसिक्योर्ड बन जाता है। हाँ, ओवरराइडिंग प्रिफरेंशियल है तो हमने ट्रीटमेंट देखा, वो अलग था, देन इट वॉज डिफरेंट। Ventures, other liability, having floating charge. Presentation में पहले है, लेकिन payment में वो preferential के बाद है। ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट है। ठीक है, if question has call scenario always assume that such calls have been realized. अब जो नोट्स लिख रहे हैं वो प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के बारे में लिखते हैं। इफ क्वेश्चन मेंशंस दैट कॉल्स कैन नॉट बी रियलाइज्ड, assume shares are forfeited. Assume that shares are forfeited. Realizations can be in cash or kind.
होल्स इन एडवांस है तो वो लायबिलिटी है, ये होता नहीं है पेपर में कभी, लेकिन क्वेश्चन में नहीं होता है, जस्ट थ्योरेटिकली लिख रहा इन मेन थिंग अभी, ये अभी जो लिख रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन इज कैलकुलेटेड एज फॉलो, इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली, ये इंपॉर्टेंट है। लिख दिया, ओके। अब लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन की बात कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी छोटा सा तीन मार्क का थ्री मार्क क्वेश्चन इसी के ऊपर आ जाता है। नाउ बिफोर आई स्टार्ट कैलकुलेटिंग लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, आपको कुछ नंबरिंग करना है और नंबरिंग अच्छी तरह से करना है, क्योंकि नंबरिंग इज इंपॉर्टेंट। ओपनिंग कैश इन बैंक है, उसे वन नंबर दे दो, नंबरिंग बहुत ठीक से करना, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज को तीन नंबर, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम असेट स्पेसिफिकली प्लेज को तीन नंबर, सिक्योर क्रेडिटर्स फोर, ओवरराइडिंग डिफरेंशियल क्रेडिट ऑफ फाइव और बचा हुआ सरप्लस सिक्स, कॉन्ट्रीब्यूटरी वाला जो अमाउंट है ना, कॉन्ट्रीब्यूटरी वाले अमाउंट को सेवन दे देते हैं, लीगल एक्सपेंस को एट नंबर, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन नाइन नंबर, अमाउंट ऑफ फ्लोटिंग चार्ज को इलेवन नंबर, डिफरेंशियल क्रेडिटर को टेन नंबर, बी वेरी केयरफुल नंबरिंग में, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को ट्वेल्व, प्रिफरेंस शेयरहोल्डर्स को 13, इक्विटी शेयरहोल्डर को 14, नंबरिंग एकदम सही तरीके से देना है। क्योंकि लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन इसके पर कैलकुलेट करेंगे नंबरिंग हो गया। अब देखते हैं अब क्वेश्चन में वर्डिंग क्या होगा और हम लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन किसके पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो आप जरा ध्यान से देखिएगा,
इक्वेशन क्या है और उसके आंसर्स क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन इज 5% ऑफ असेट्स रियलाइज्ड, ये वर्डिंग है। सेकंड क्वेश्चन, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन इज 5% ऑफ ऑल असेट्स रियलाइज्ड, तीसरा क्वेश्चन, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन इज 5% ऑफ टोटल असेट्स रियलाइज्ड, फोर्थ क्वेश्चन, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन इज 5% ऑफ ग्रॉस असेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। ओके, अब सुनिए, आंसर सुनो। जब ऐसा पेपर में लिखते हैं ना, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन इज 5% ऑफ असेट रियलाइज्ड, क्या वर्ड है 5% ऑफ असेट रियलाइज्ड, तो पता है मुझे क्या क्या लेना है। जब 5% ऑफ असेट रियलाइज्ड वर्ड लिया है ना, तो मुझे लेना है 2 नंबर और मुझे लेना है 6 नंबर। वर्डिंग क्या है, 5% ऑफ असेट रियलाइज्ड, क्या वर्डिंग है, 5% ऑफ असेट रियलाइज्ड है ना, 5% ऑफ असेट्स रियलाइज्ड, तो 2 एंड 6 लेना है। लेकिन जब टोटल असेट, ग्रॉस असेट, ऑल असेट लेते हैं ना, तो 5% ऑफ 2 प्लस 3 लेना है, ठीक है। टोटल असेट में 5% ऑफ 2 एंड 3 लेना है। लिखो ये बात, जब असेट रियलाइज्ड वर्ड है तो 5% ऑफ 2 प्लस 6, असेट टोटल असेट ग्रॉस असेट है तो 5% ऑफ 2 प्लस 3, ये बात समझ के रखिए आप। पहले में खाली क्या है पता, असेट नॉट स्पेसिफिकली प्लेज और सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी, जबकि ये ग्रॉस असेट्स है 2 प्लस 3। कितने लोगों को समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, असेट एंड टोटल असेट, इसको समझ में आ गया। एस वर्ड टाइप करो तो जरा जल्दी जल्दी जल्दी, ऑल असेट, टोटल असेट, ग्रॉस असेट इज व्हाट, एंड असेट रियलाइज का मीनिंग क्या है। जल्दी, एक भी एस वर्ड नहीं आया, वेरी बैड है, बहुत बुरा है, एक भी नहीं आया, बहुत दुख की बात है ये तो। नहीं आया, वेरी बैड। चलिए लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन इज 5% ऑफ पेमेंट टू सिक्योर्ड क्रेडिटर,
आपको पता है सिक्योर्ड क्रेडिटर किधर है? किसी को माइक में बोलना है क्या सिक्योर्ड क्रेडिटर किधर है? दो जगह पर है, एक फिक्स्ड वाले और एक फ्लोटिंग वाले। फोन नंबर इज देखो पेमेंट टू सिक्योर्ड क्रेडिटर है एंड 11 नंबर इज फॉर फ्लोटिंग क्रेडिटर है, चेक करो। फिर लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन इज 5% ऑफ पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। पता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर किधर है? बहुत जगह पर है। देखो ये ओवरराइडिंग प्रिफरेंशियल भी अनसिक्योर्ड है, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर भी अनसिक्योर्ड है एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी अनसिक्योर्ड है। थ्री प्लेसेस अनसिक्योर्ड को आप पे कर रहे हैं, एक ओवरराइडिंग प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, एक प्रिफरेंशियल क्रेडिटर और एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन इज 5% पेमेंट टू 5% ऑफ पेमेंट टू प्रिफरेंस शेयरहोल्डर्स। तो ऑब्वियसली 5% ऑफ 13। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन इज 5% ऑफ पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ऑब्वियसली 5% ऑफ 14 नंबर आइटम। नेक्स्ट नोट, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन is not allowed on cash balance, opening cash show hota hai na, and calls from contributory. Liquidator remuneration is not allowed on cash balance and calls from contributory. Next lecture mein hum log iske sampark chalenge. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके सम पर चलेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है क्या? एनीथिंग टू बी आस्क्ड? रिकॉर्डिंग बंद करें।